या टॉप थ्री या टॉप वन, इसमें ये मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं अच्छा बोलने अच्छा। वाले जो ज्यादा बोलते हैं आगे बढ़कर जंगजू नहीं है अच्छा। लेकिन नाइस टॉकेटिव पीपल, नंबर वन शेख रशीद, नंबर टू फैसल अजाद भी, नंबर थ्री अब मुझे कोई भूलना चाहिए, अच्छा कारा साहब स्पीक्स वेरी वेल एज वेल, लेकिन ये वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, ही वॉज अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर। अभी तक कोई ऐसी पर्सनालिटी आई है आपके शो पे जो आप जफर अली शाह साहब से कैसा इत्तेफाक हुआ? वो बड़े मतलब जफर अली शाह साहब मेरे वन ऑफ द फेवरेट गेस्ट्स हैं बाय द वे, क्योंकि वो शो को बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग बात करते हैं, पावरफुल बात करते हैं, और मतलब बिला वजह की वो उसमें नहीं है कि आप मतलब अपना ये नहीं है कि अपनी बात की जाए जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। तो ही इज आल्सो वन ऑफ द गुड गेस्ट्स, एवरी गेस्ट इज अ ग्रेट गेस्ट, एवरी गेस्ट इज रिस्पेक्टेड। अच्छा कामिल अली आगा साहब, कामिल अली आगा साहब काफी बोलते हैं काफी डिप्लोमेटिक जवाब था ये अपनी पार्टी का। मारवी मेमन साहिबा, शी इज अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन एंड आई थिंक वेरी फोकस्ड, बड़ा हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन है मारवी। वो जो है अपने काम, उन्होंने जो फ्लड कमीशन रिपोर्ट आई है वो मारवी की मेहनत की वजह से आई है, उसके अलावा आई थिंक विमेन के बिल भी उन्होंने पास कराए। कहीं भी कोई वाकया होता है पाकिस्तान के, वो हमेशा वहाँ पहुँचती हैं, जाती हैं पर्सनली अपने ऑन एक्सपेंस के ऊपर अपनी जाती कोशिशों को। अब तो वो पार्लियामेंट में नहीं है एंड आई एम श्योर पार्लियामेंट विल बी मिसिंग हर, लेकिन ये कि जब वो पार्लियामेंट में थी तो हमेशा वो सवाल उठाती थी और वैलिड वेल रिसर्च सवाल उठाती थी। टू द पॉइंट, कश्माला इज आल्सो अ वेरी वेल स्पोकन पर्सन। शाजिया मरी, शाजिया मरी अच्छा बोलती हैं, अपनी पार्टी का मौका बिल्कुल ठीक देती हैं। ओके अच्छा फेवरेट पॉलिटिशियन, शमीला साहब के बारे में, वो काफी आपके प्रोग्राम में, वो शमीला जो है वो काफी ज्यादा उनके बारे में नेगेटिव कुछ लोग कमेंट्स देते हैं, लेकिन वो कुछ पर्सनालिटीज जनरली, क्योंकि जब आप मीडिया में हैं तो आपका लोगों का हक है आप पे कमेंट करें और आपको सुनना पड़ेगा, और कुछ पर्सनालिटीज ऐसे होती हैं जो बड़े एक्सट्रीम किस्म के व्यूज लेती हैं, या तो पीपल आइदर लव देम और पीपल आइदर हेट देम। बिल्कुल, आई थिंक उनकी एक ऐसी पर्सनालिटी है, आइदर पीपल लव हर और दे हेट। अच्छा मेरी फेवरेट पॉलिटिशियन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब, आपकी है? हाँ जी हाँ, आपका ताल्लुक सियालकोट से? जी नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे ही मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है हमारा ताल्लुक सियालकोट से नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि जब भी वो टेलीविजन पे आती हैं तो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें जरूर बखेर के जाती हैं, तो इसलिए मुझे वो अच्छी लगती हैं। तो कैसा इत्तेफाक हुआ उनके साथ प्रोग्राम? फिरदौस के साथ भी हमने काफी शोज किए, अब वो थोड़ी सी बिजी हो गई क्योंकि वो सारे मसरूफियत बढ़ गई है तो, लेकिन बल्कि उनसे तो मैं इंटरेक्शन लंदन में हुआ था जब अच्छा। वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करी थी, उन्हें वहीं पे आके अनाउंस किया था। अच्छा जनरल मुशर्रफ साहब को कितनी दफा आप लोगों ने लाइन पर लिया, कितनी दफा उनसे बात हुई? काफी दफा हुई है, काफी दफा उनसे हमने इंटरव्यू किया है, फुल फ्लेज्ड इंटरव्यू जब शुरू में उन्होंने देना शुरू किए थे, आई थिंक आई वाज द थर्ड वन टू इंटरव्यू हिम। उसके अलावा जब ये उसामा बिन लादेन वाला इशू हुआ उस पर उनके साथ हमने बात की थी, फिर अभी कुछ दिन पहले एक और प्रोग्राम हमने किया था जो कि लैला बच्ची थी जिसके फादर सोमालियन पायरेट्स ने पकड़ लिए थे, सबने उसको फॉलो किया था, उसको जब हमने किया था तो फिर खुद कॉल आई थी जनरल मुशर्रफ की ड्यूरिंग द शो, वी वर कलेक्टिंग मनी, तो उस वक्त उनकी कॉल आई थी तो उन्होंने आई थिंक डोनेट भी किया था। काफी मुझे ये बताइए कि वैसे जनरल साहब का आजकल पार्टी उनकी काफी खामोशी इख्तियार की हुई है स्पेशली कराची के टॉपिक के ऊपर। उनकी पार्टी ऐसा इतनी बड़ी पार्टी नहीं है पाकिस्तान की, आई एम श्योर सब इस बारे में अवेयर है, तो ना वो कोई बहुत ज्यादा उसकी इतनी ज्यादा पावर बेस है, जारे वो खुद ही यहाँ पर मौजूद है, नई पार्टी है, टाइम के साथ साथ शायद वो पार्टी बढ़ जाए, तो इसलिए आप हर चीज में उनको पार्टिसिपेट करते हुए देख भी नहीं सकते। डेफिनेटली अब थोड़े से लाइट मोड पे आते हैं, जैसे कि आप जानती हैं ऑलरेडी रमजान मुबारक चल रहा है, तो रमजान पहला रोजा कुछ याद है बचपन में कब रखा था? बहुत अच्छी तरह याद है मुझे, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, क्योंकि मुझे बहुत इस बात पे अपने पेरेंट्स का थैंक यू कहना है, सीरियसली दिल से कहना है कि उन्होंने मुझे रोजे की आदत डाली है, और ये आदत बचपन से ही आती है, बहुत बड़ा तोहफा है, अगर नहीं डालते वो लोग मुझे तो मुझे नहीं, मैं महरूम रह जाती इससे, तो थैंक यू वेरी मच।
much mom and dad ki unhone aur hum log Saudi Arab mein the us waqt acha acha my father was deputed there aur jo pehla roza tha I was 5 years old acha mashallah aur meri behan thi she was 4 years old nahi ye 12 baje wala roza tha ye pura wala tha full roza tha aur ye mazak hi samajh rahe the mere ammi abbu ki ye mazak kar rahi hain ye abhi khol lengi roza aur mujhe achhi tarah yaad hai ki रात को वहाँ पे खुले होते हैं बाजार सऊदी अरब में अब आई थिंक अभी भी ऐसे होता होगा उस वक्त खुले होते थे तो हमारे अम्मी अबू हमें शॉपिंग करने ले जाते थे और वो पहले वापस आते थे तो तकरीबन सैरी का टाइम होता था उनके फ्रेंड्स आ जाते थे फिर वो मेरी अम्मी सैरी सबके सर्व करती थी उसके बाद आप सो जाएं फिर आप सो के उठें ये 5 साल की उम्र में आप ऐसा रोजा रख सकते हैं आप बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी किसी को तो वहाँ 3 बजे के बाद कार्टून शुरू होते थे अच्छा तो वो मैं और मेरी बहन बच्ची कार्टून देखा करते थे और 7 o'clock रोजा खुल जाता था माशाल्लाह काफी आपके पास मैंने 15 रोजे रखे थे उसके बाद नेक्स्ट जब मैं 6 ईयर्स की हुई तो सबसे बिन फास्टिंग थ्रू आउट द मंथ अल्लाह माशाल्लाह लेकिन वो मुझे एक गिफ्ट भी मिला फिर प्रॉपर रोजा की शाही की तकरीब तकरीब इसलिए नहीं हुई क्योंकि माय मदर वाज इन शो कि मैं रोजा रख रही वो जब हो गया पूरा तो फिर उन्होंने कहा कि यू शुड बी अवॉइडेड कराना कि प्लीज इसने तो पूरा रोजा रख लिया आप क्या करें तो फिर मुझे याद है मेरी अम्मी अब मुझे लेकर गए और वहाँ पे टॉय शॉप में ले गए तो काफी चीजें मुझे दिखा रही मुझे अच्छी तरह ये बात याद है तो एक वो छोटा सा रेड कलर का मॉनिटर था जिसपे यू कुड आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड यस यू आर सो राइट